तो कांटे का मुकाबला जहां देखने को मिल रहा है, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये अपनी सीट पर जीत दर्ज कर दी है। 20,000 मतों से ये जीत दर्ज की है और जयराम ठाकुर ये जब एनालिसिस चल रहा था उस दौरान कई तरह की बातें हुई थी कि बीजेपी जो है वहां पर अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाई हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी वहां पर बहुत उसने जोर नहीं लगाया, लेकिन ये जो नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी वहां अपनी सरकार बनाती दिख रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज सीट से जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो जीत चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ आ रहा है जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जीत लिया है सिराज सीट से चुनाव, छठवीं बार उन्होंने चुनाव यहां पर जीता है। और आइए अब रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता विकास शर्मा का जो कि ब्यूरो चीफ हैं हिमाचल प्रदेश, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेहद हॉट सीट इसे पहले से माना जा रहा था और जिस तरह से राजपूत बिरादरी का दबदबा है, छठवीं बार जो जयराम ठाकुर हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाकई में उनकी साख दाव पर थी और उन्होंने एक बार फिर से ये जीत दर्ज कर बता दिया है कि हाँ कोई नहीं मेरे आगे पीछे फिलहाल दूर दूर तक। बिल्कुल, और शुरुआती तौर से ही भाजपा आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रही थी। भाजपा ये कह रही है कि क्या हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट होगा, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नेतृत्व में जो है वो यहाँ पर चुनाव हो रहे थे और काफी आश्वस्त जो है वो नजर आ रहे थे। लेकिन शुरुआती रुझान जो हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, चिंता की बात जरूर है। लेकिन एक तरफ सुखद अनुभव ये भी रहेगा कि अब जो मुख्यमंत्री का चेहरा था हिमाचल प्रदेश में भाजपा की तरफ से जयराम ठाकुर, उनकी जीत यहां पर हुई है तो अपने आप में सुखद अनुभव भी है। और ऐसे में जो बाकी सीटें हैं, 68 सीटों पर जो है ये चुनाव हो रहा है और आज मतदान के बाद जो जिस तरह से 12 नवंबर को मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ था उसके बाद आज परिणाम आने शुरू हुए हैं। शुरुआती रुझान में चिंताजनक बातें जरूर हैं, लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर जो बागी उम्मीदवार थे जो पार्टियों के, वो अपनी जगह जो है वो यहां पर बना रहे हैं और गेम चेंजर के रूप में जो है जरूर आगे देखने के लिए वो लोग मिलेंगे। और जो जिस तरह से एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल के हिसाब से भी कांटे की टक्कर जो है वो दोनों ही दलों के बीच में यहाँ पर देखी, कांटे की टक्कर जो है वो दोनों ही दलों के बीच में यहाँ पर देखी जा रही थी। मुख्य मुकाबला भी दो ही दल थे, भाजपा और कांग्रेस। ऐसे में आज परिणाम का दिन है और परिणाम के समय जिस तरह से बढ़त जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिली है, कांग्रेस लगातार ये बात कह रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है और जो हमारे विधायक जीतकर सामने आएंगे उनको जो है वो यहाँ पर खरीद फरोख्त उनकी हो सकती है। अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन प्लान बी यही कहता है कि अपने विधायकों को किस तरह से बचाया जाए और उनकी खरीद फरोख्त ना हो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएं, इस पर दोनों ही दलों की नज़र जो है वो यहाँ पर रहेगी। लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि भाजपा लगातार उन नेताओं के संपर्क में है जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर भाजपा से बागी हुए थे और अब जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल देखना यही होगा कि क्या यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग जैसी जो ये खबरें हैं ये हिमाचल में आज से पहले कभी देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन जो खतरा यहाँ पर बना हुआ है दोनों पार्टियों के लिए, क्या वो हो सकता है, इस पर जो है वो नजर यहाँ पर बनी रहेगी। बिल्कुल, हालांकि ज्यादा जो आशंकित है वो कांग्रेस नजर आ रही है यहाँ पर विकास जी, लेकिन एक बात जरूर आपसे समझना चाहेंगे कि आप यहाँ अपना बहुत अस्तित्व देखने की तलाश में थी, वैसा कहीं दिखता नहीं रुझानों में कि वो यहाँ पर अपना कुछ कर पाएगी, आपका जादू चला है। महिलाएं बहुत पसंद कर रही थी जिस तरह की जानकारियां पहले मिलती रही, विश्लेषण होता रहा, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अभी की जो तस्वीर पूरे हिमाचल में बन रही है उसे भी थोड़ा सा समझाएं।
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि मुकाबला दो ही दलों के बीच में देखा जा रहा था, लेकिन शुरुआती दौर के अंदर अगर हम जाएं, थोड़ा पीछे में अगर आपको ले जाऊं, तो आम आदमी पार्टी की एक जोरदार दस्तक हिमाचल प्रदेश में हुई थी जब ये चुनावों का शोर मचा था। लेकिन धीरे धीरे करके जब चुनाव प्रसार यहाँ पर चला और जो शीर्ष नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का, उनके ऊपर जो है जिस तरह की खबरें सामने आई, सत्येंद्र जैन जो है वो आज जेल में बंद हैं और पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको बर्खास्तगी वहां पर की गई और अब वो भी उनके ऊपर भी केस दर्ज वहां पर किए गए हैं, तो इस तरह का अनुभव जो आम आदमी पार्टी का रहा है चुनावों के दौर में जो देखने के लिए मिला, हिमाचल प्रदेश में जब जब चुनाव प्रचार जो है अपने आखिरी दौर में था तो आम आदमी पार्टी जो है वो उसकी जमीन खिसकती यहाँ से नजर आई थी। तो ऐसे में दो ही मुख्य दल यहाँ पर रह गए थे, कांग्रेस और भाजपा, जो कि पहले से चले आ रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर बिल्कुल सही आपने कहा कि ग्रामीण कमोवेश एक ऐसा इलाका है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां बाकी राज्यों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर लोगों का रुझान यही था कि तीसरे विकल्प के रूप में हिमाचल प्रदेश में एक नई पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के मॉडल की बात की जा रही थी, पंजाब में नई सरकार बनी थी वहां के मॉडल की बात की जा रही थी, क्या हिमाचल प्रदेश में यह मॉडल लागू हो सकता था, जनता क्या इसको स्वीकार कर सकती है, इसके ऊपर संशय बरकरार था। और आज फिलहाल जब मतगणना का समय चल रहा है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही, बल्कि लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़ कांग्रेस और भाजपा के भीतर ही नजर आ रही है। बिल्कुल विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।